आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। साइबर सिटी गुरुग्राम में गाड़ियों के साइलेंसर से कैटलेटिक कन्वर्टर चोरी करने वाले गैंग के सरगना सहित 3 आरोपियों को गुरुग्राम की मानेस क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए 93 साइलेंसर एवं चोरी के काम में इस्तेमाल किए जा रही चाबी, पाना, आयरन रोड, कट्टर को भी कब्जे में लिया है। इसी भी क्राइम की माने तो गिरोह के सदस्य साइबर सिटी में 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके थे और पिछले 6 महीने से सक्रिय थे। नमस्कार, मैं हिमांशु, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गाड़ियों के साइलेंसर की चोरी किया करते थे। दरअसल गाड़ियों के साइलेंसर में कैटलेटिक कन्वर्टर नाम की एक मिट्टी पाई जाती है जिसकी कीमत बाजार में हजारों की होती है और यह चोर उस मिट्टी को 70 से 80 हजार रुपये में बेचा करते थे। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक यह चोर रात पहले तो गाड़ियों की रेकी किया करते थे और उसके बाद मौका मिलते ही साइलेंसर चोरी कर चंपत हो जाते थे। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक यह जो चोर थे वह इको गाड़ियों को ज़्यादा टारगेट किया करते थे क्योंकि इन चोरों ने तकरीबन 100 वारदातों को गुरुग्राम में अंजाम दे रखा था जिसमें से 30 से 40 वारदात इको गाड़ियों की थी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया है और इनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में कैटलेटिक कन्वर्टर, 93 साइलेंसर और वारदात में अंजाम देने वाले औजारों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में इको गाड़ियों के साइलेंसर चोरी होने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी मानेसर क्राइम यूनिट को सौंपी गई। मानेसर क्राइम यूनिट ने गंभीरता से कार्य करते हुए साइलेंसर चोरी करने वाले गैंग के मुख्य सरगना सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 आरोपियों की पहचान सन्नी, श्याम लाल व विनोद के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने गुरुग्राम में 100 से भी अधिक साइलेंसर चोरी किए हैं। इसके अलावा दिल्ली व NCR से साइलेंसर चोरी करने की करीब 150 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस पूछताछ में बताया है कि ये इको गाड़ी के ही साइलेंसर को चोरी करने की प्राथमिकता रखते थे क्योंकि इको गाड़ी का साइलेंसर आसानी से खुल जाता था व इको गाड़ी का एक साइलेंसर 50 से 70 हजार रुपये की कीमत में आसानी से बिक जाता है। साइलेंसर में लगने वाली मिट्टी इको गाड़ी के साइलेंसर में अधिक मात्रा में होती है। इतना ही नहीं, इस मिट्टी में प्लैटिनम होता है जो कि सोने से भी महंगा होता है। ये पिछले काफ़ी दिनों से गुड़गांव और NCR में लगातार इको गाड़ी, मारुति की इको जो गाड़ी है उसके साइलेंसर चोरी होने की लगातार वारदात हो रही थी और इस संबंध में गुड़गांव के विभिन्न पुलिस स्टेशन में व NCR में बहुत सारे केस रजिस्टर थे जिसपे कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम टीम मानेसर ने उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम सन्नी पुत्र धन कुमार, श्याम लाल और विनोद। इनको पुलिस रिमांड पे लेके और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम लगातार यहाँ NCR में वारदात कर रहे थे, 150 के करीब इन्होंने NCR में वारदात की है साइलेंसर चोरी करने की, जिनमें से ज़्यादातर इको गाड़ी के हैं लेकिन दूसरी गाड़ियों के भी साइलेंसर इन्होंने चोरी किए हैं। और पूछताछ में ये भी बात पता चली है कि उसको इसलिए ये टारगेट करते थे कि एक साइलेंसर से जो मिट्टी निकलती है जिसको ये मिट्टी बोलते हैं वो 70 हजार के करीब की, 50 से 70 हजार के करीब में बिक जाती है, इसलिए ये उन गाड़ियों को टारगेट करते थे। दिन में ये उन गाड़ियों की रेकी करते थे वह फिर बाद में उनसे ये आसानी से, क्योंकि इको गाड़ी का साइलेंसर खुल जाता है तो उसमें से वो साइलेंसर खोल के और उनको चोरी करके लेके जाते थे। इन्होंने अकेले गुड़गांव की लगभग 100 के करीब वारदात कर रखी है। इनसे हमने जब पूछताछ के दौरान जो रिकवरी की है उसमें 93 साइलेंसर, चाबी, पाना, आयर रोड, कटर आदि बरामद किए हैं और इन्होंने ये भी बताया कि हमने विभिन्न जगह इनको बेचा था तो हमने उनकी भी गिरफ्तारी की है और इस पे लगातार काम किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि भी इसमें और भी जो भी लोग शामिल होंगे हम उन सबको गिरफ्तार करेंगे और इस गिरोह का पूरा पर्दाफाश किया गया है। तो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने, इस पूरी टीम ने जो जितना बेहतरीन काम किया है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है
और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा जो गैंग लगातार लोगों के साथ इस तरह की चोरियां की वारदातों को अंजाम दे रहा था, उनको पकड़ने में गुड़गांव पुलिस कामयाब रही। सर कहाँ के रहने वाले थे और कब से वारदात को अंजाम दे रहे थे? ये पिछले लगभग 6 महीने से लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे, और ये सुल्तानपुरी दिल्ली और अन्य जगह के रहने वाले थे, और ये गुड़गांव को इसलिए टारगेट कर रहे थे कि यहाँ पे गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से ये गाड़ियों की लोकेशन देख के रेकी करके और इन वारदात को अंजाम देते थे। सर कोई मोटर स्टैंड सामने आई, कैसे जाते थे और कितना टाइम लगाते थे? ये 3 व्हीलर वगैरह में बैठ के जाते थे स्पॉट पे, और वहाँ से खोल के और फटाफट ये निकल जाते थे। और इसमें एक इक्को गाड़ी का जो साइलेंसर है उसको खोलने में ये हार्डली 3 से 4 मिनट लगाते थे, तो बड़ी जल्दी स्पीडली ये काम करके, और उसमें ज़्यादा वेट भी नहीं होता, जो वो मिट्टी बोलते हैं जिसको, उसमें ज़्यादा वेट नहीं होता, तो उसको लेके और ये वहाँ से जाके और बेच देते थे। तो जहाँ पे ये बेचते थे हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। पूरा साइलेंसर ही सिर्फ एक मटेरियल जो था उसका कुछ ही वही? हाँ, वो जो पर्टिकुलर मटेरियल जहाँ पे होता था उसको ही ये चोरी करते थे और उसको आगे बेचते थे। सर प्रारंभिक पूछताछ में क्या इनका सरगना, इन्होंने सरगना कबूल अहमता पाई गई है, और कितने लोग इस गिरोह में शामिल? ये जो सन्नी है ये इनके ग्रो का सरगना है, और इसमें जो ये अब तक लोग शामिल हमें मिले हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं, और आगे भी इनसे पूछताछ जारी है, उसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी जेल में जा चुके हैं सर ये? ठीक है। ना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 93 साइलेंसरों में से 35 साइलेंसर इको गाड़ी से बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि गिरोह की गिरफ्तारी से इको गाड़ियों के साइलेंसर चोरी की और भी वारदातें सुलझेगी। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।